यीशु। तो यीशु बैठा है कांदा बटाटा, कांदा बटाटा बैठा ना, कैसा हाई करेगा ये भी तो पॉइंट है ना। इसका आदत है बाबा ऐसा, कभी हम लोग रोड पे मैं आफ्ताब लेकर आया ना तो लटक गया, मेरे को बाहर लेके चलो, मैं ऑलरेडी पसीने में आया, देखो गर्म हो रहा, पसीने में थक के आया, आंख पे लटक गया। अब चलो देखो देखने का अभी, चलो यीशु उतर जा, उतर उतर ना, अरे उतर ना बाबा उतर ना, ऐसा चिल्ला रहा क्यों लेकिन तू, उतर तो बोल रहा हूँ, उतर ना उतर नहीं उतरेगा, नाटक चल रहा है इसका, फेंक दूँ क्या, फेंक दूँ तेरे को फेंक दूँ। अच्छा इधर आ, इधर इस तरफ आ, अरे गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही। अच्छा तेरे को मार कैसा लगा, ये वाला मार कैसा लगा, दिख रहा है भाग रहा था ना कल, भाग रहा था ना, हाँ चलना पापा घर पे चलना, चलना मैं पसीना पसीना हो गया, देखो ऐसी भाग रहा था कल। हाँ हाँ करो 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 वो करो, वापस करो, वापस वापस कर, ये गाड़ी आ रही ना यीशु, नंगड़ू ए नंगड़ू, उसको चप्पल भी नहीं पहनने का, पिना रहा तो जिद कर रहा हो बाहर जाने की, रो रहा है चप्पल पिनाने के लिए घर पे लेके जा रहा, तो आंख पे लटक गया और ये बाहर आके खेल रहा है। ए चल चप्पल पहन, चल चप्पल पहन, देखो चप्पल नहीं पहनने का इसको, गाड़ी आ रही है, चल आ जा आ जा आ जा अब्बा के पास चलना, अरे गाड़ी आ रही ना बेड़े, आ जा हालत इतनी खराब है, पसीना देखो, बोला ना बाहर से अफ्तारी अफ्तारी लेकर आया, उसके बाद ये भगा रहा, अलग बैठने नहीं दिया अभी तक, ना रहा पसीने में, मेरा पूरा शर्ट भीग गया है, और ये सबर नहीं दे रहा, बिना चप्पल पहने भागम दौड़ी मचाया है। ये सब बंद है ऑलमोस्ट, मतलब खुला भी है नहीं भी खुला है ऐसा बोल सकते, कि एक एक जो दुकान के बाहर तक आ रहा था, ये देखो सोनार बंद है, ये सुरमौला बंद है, नज़दीक है ना चौकी, चौकी यहाँ से नज़दीक है और वहाँ से दूर करके वहाँ पर अलग चालू है, मस्त एकदम माहौल।
एक नंबर। तो जितना 5 नंबर चौकी की तरफ जाते रहेंगे हम लोग उतना मार्केट एकदम, लेकिन उनके दुकान वालों का बैठ लगा एकदम बड़ा बैठ, बोले बोले साल एकदम बाजू में पड़ गए ले, और जो दूर है वो मछार है, और पब्लिक भी है मार्केट में, ऐसा नहीं कि पब्लिक नहीं है। यहाँ की भी दुकानें जो चहल पहल रहती थी ना, पब्लिक है थोड़ी बहुत। आज संडे है, अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता, कोरोना का टाइम नहीं रहता, तो यहाँ का माहौल एकदम ही अलग होता, चलना फिरने के वांदे होते थे यहाँ पर तो। मार्केट बंद हो गई। Hey guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum. तो कैसे हैं आप लोग? कैसा है यूसुफ? सभी वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ ने सलाम नहीं किया। उम्मा बहुत जोर से देता आजकल, ये आजकल तो एकदम 50-50 पिक पिक के मार रहा है, बहुत जोर से देता, दूर रहेगा ना एकदम ऐसा पिक पिक के मार रहा ना। हां कोई गिर गिर गया तो क्या करेगा? आज सुबह का तो आप लोग ने देखा होगा व्लॉग, हाँ कैसा लगा वो बताओ। आवाज थोड़ी स्लो थी क्योंकि हम लोग स्लो स्लो बात करते, लेकिन ना स्टार्ट का ना थोड़ा हम लोग ना नींद में से उठे थे यार, नींद में से उठी हुई थी, मैं भी यूसुफ के ऊपर ध्यान दे रहा था, तो स्टार्टिंग का थोड़ा बोरिंग था, लेकिन बाद में मस्त वाला था, लेकिन बहुत सारी पब्लिक ने ना स्टार्ट का देख के शायद छोड़ दिए, वॉच टाइम कम आया हम लोग को, वरना नहीं, लेकिन वीडियो मजेदार था मालूम है। आगे बहुत सारे किस्से थे, जिसे नहीं देखा छोड़ दिया, प्लीज कंटिन्यू करें और देखे पता चलेगा आगे हम लोग ने क्या क्या शेयर किया। हाँ बाद में वॉल्यूम भी पड़ गया था, बचपन की यादें ताजा की गई है वहाँ पर, तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो अभी बज रहा है 9:30, मैं नॉर्मली 9:30 मैं नॉर्मली 9 बजे तक 9:15 बजे तक ऊपर आ जाती हूँ, हाँ। कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, हाँ। तो मैं काफी दिन से सोच रही थी आपके साथ शेयर करूँ मेरा कुरान शरीफ का जो पैकिंग बॉक्स है, फिर मेरा जो जनमाज है, जो मेरी तस्बीह है, तो अब मैं सोच रही थी शेयर करूँ या नहीं करूँ, फिर अभी डिसाइड किया फाइनली, चलो पढ़ने बैठ रही हूँ तो पहले शेयर कर देती हूँ फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो फिर चलिए आप लोग देख लीजिए। इसको भी कपड़े पहना देती, नंगू पुंगू रखती है हमेशा इसको। गरम कितना रेडिशे पहना हुआ था मैंने, खोल दी जानबूझ के, ना ज्यादा गरम हो रहा है। ये जो है पूरा वुडन है, ठीक है, और इसके ऊपर है ना ये नक्काशी बोलते हैं ना, नक्काशी बोलेंगे ना, और ये पूरी मखमल से की गई है, और ये यूसुफ मेरे को परेशान कर रहा है। देखो यहाँ पर भी है, चारों तरफ है, अंदर से ऐसे लेसेस लगे हुए ऊपर इधर है ना इस तरफ, हाँ, ना ये चारों तरफ है, अंदर से ऐसे लेसेस लगे हुए और ये पूरे मखमल रेड कलर के, ठीक है। ये मैंने अपनी कुरान शरीफ का मीनिंग हिंदी में ली थी क्योंकि उर्दू पढ़ने में मेरे को बहुत तकलीफ होती है। ये यासीन शरीफ और ये मेरा बहुत अच्छी बात मेरा बच्चा, ये कुरान शरीफ, मैं दुआ पढ़ने के बाद में इसको चूम के फिर रखती हूँ ना, तो ये देख लिया उसने, देखो हाँ कुरान शरीफ को पक पी लेता है, ठीक है, तो देख देख वापस तू भी इसको, देख इसको इसको इसको, अरे वाह माशाल्लाह, और ये मेरी तस्वीर। और अभी मैं कुरान शरीफ पढ़ने जाती हूँ क्योंकि यही टाइम होता है मेरा प्रॉपर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, यूसुफ भी नहीं तो बाद में परेशान करना चालू करेगा, उसका खाने खाने का टाइम है, तो फिर टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।